सब्सक्राइब करिए स्टूडियो तक को, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका एजुकेशन अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। तो जानते हैं आज का अपडेट्स। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने 5, 7, 9, 11 अप्रैल को होने वाली JEE मेन के पेपर का एडमिट कार्ड रिलीज को स्थगित कर दिया है और छात्रों से कहा गया है कि रिवाइज शेड्यूल अब 31 मार्च के बाद ही आएगी। कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपने PUC फर्स्ट रिजल्ट 2020 को डिक्लेयर डेट को स्थगित कर दिया है और कहा गया है कि अब 21 दिन के बाद ये डिक्लेयर होगी। आंध्र प्रदेश के सभी स्कूल अपने स्टूडेंट्स को बिना पेपर के ही प्रमोट करने का निर्णय ली है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 9 तक के बच्चे आते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS ने अपने एडमिशन प्रोसेस 2020-21 सेशन के लिए स्थगित कर दी है ड्यू टू कोविड-19। असम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि PSC ने अपने असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पेपर को रद्द कर दी है ड्यू टू कोविड-19। पहले ये 5 अप्रैल को होने वाली थी, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियरिंग की 156 सीट और जूनियर इंजीनियरिंग के 307 सीटों पे पेपर होने वाली है। NTA ने मई में होने वाली NEET के पेपर का एडमिट कार्ड रिलीज डेट को भी स्थगित कर दी है ड्यू टू कोविड-19। तो एजुकेशन अपडेट्स में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।